साथियों, आज जो अभियान हमने शुरू किया है, इसको जन आंदोलन में बदलने के लिए हम सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। देश को कुपोषण से मुक्ति देने के लिए जो अभियान चल रहा है, राष्ट्रीय पोषण मिशन को भी ये अभियान सशक्त करेगा। अब तो सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि सरकारी योजना के तहत गरीबों को स्कूलों में बच्चों को 45 चावल ही दिया जाएगा। हाल में ही मैंने अपने ओलंपिक चैंपियन से कुपोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर एक खिलाड़ी से मैंने आग्रह किया था कि आप कम से कम आने वाले एक दो साल में कम से कम 75 स्कूलों में जाने का आग्रह रखें, वहां विद्यार्थियों से पोषण के संबंध में बातें करें, खेलकूद के संबंध में बातें करें, फिजिकल एक्सरसाइज के संबंध में बातें करें। आज मैं सभी शिक्षाविदों, सभी कृषि वैज्ञानिकों, सभी संस्थानों को कहूंगा कि आप भी आजादी के अमृत महोत्सव के लिए अपने लक्ष्य तय करें। 75 दिन का अभियान उठा लें कोई, 75 गांवों को गोद लेकर के परिवर्तन का अभियान उठा लें, 75 स्कूलों को जागरूक करके हर एक स्कूल को कोई काम में लगा दे। ऐसा एक अभियान अगर देश के हर जिले में अपने स्तर पर भी और संस्थानों के स्तर पर भी चलाया जा सकता है। इसमें नई फसलों, फोर्टिफाइड बीजों, जलवायु परिवर्तन से बचाव को लेकर किसानों को जानकारी दी जा सकती है। मुझे विश्वास है कि हम सबका प्रयास, ये सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबका प्रयास मौसम के बदलाव से देश की खेती को बचाएगा, किसान की समृद्धि और देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।